एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस शॉल में से सूट कैसे बनाएं। आप देख सकते हैं साइड में, तो हमें बनाना है कॉलर वाला सूट, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है शॉल। शॉल को हमने डबल करना है, जितनी आपको लेंथ लेनी है आप उसके हिसाब से नाप सकते हैं। तो शोल्डर हमने लेना है 7 इंच और तीरा भी हमने 7 इंच लेना है, क्योंकि हमने बनाना है कॉलर वाला नेक बनाना है। तो और नेचुरल वेस्ट हमने ले ली है 14 इंच और हिप का नाप भी हम 14 इंच लेंगे ऊपर से। और यहाँ पर इस तरीके से 7-7 इंच का नाप लगा देंगे शोल्डर का और मुड्ढे का। तो और ब्रेस्ट का नाप लगाना है हमने 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने साइज़ का सूट कटिंग करना है, तो मैं अपने साइज़ का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हिप का हमने लगा दिया है 9 इंच और 2 इंच लेते हैं हम एक्स्ट्रा। तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद फिटिंग का हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका भी इस तरीके से निशान लगा दिया है। और जितना हमने घेरा लेना है उसी हिसाब से आप घेरे का निशान लगाएंगे। और 3 इंच हमने लगाया है नेक का निशान, तो इस तरीके से मैंने नेक का निशान लगा दिया है। ऊपर से 1/2 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाया है और इस तरीके से गोलाई कर देंगे फ्रंट की और बैक की। और जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने जो है फ्रंट पार्ट की गोलाई काटनी है, तो इस तरीके से आप फ्रंट का पार्ट निकाल के इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई कर देंगे। और फिर हमने लेनी है स्लीव, तो स्लीव को 4 फोल्ड करेंगे और जितनी आपको लेंथ लेनी है आप उस हिसाब से निशान लगाइए। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच के लिए 1 इंच मार्जिन का लिया है और शोल्डर का मैंने 3 इंच नीचे गिराया है और बॉटम का लिया है मैंने 5.5 इंच। और इस तरीके से बैक और फ्रंट की मैंने गोलाई कर दी है और अब करेंगे कटिंग। और यहाँ पर हमने कर दी है फ्रंट साइड की कटिंग। और कब आप करते हैं स्टिचिंग, और सिलाई बताने से ज़्यादा अच्छी आती है देखने से। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको भी अच्छे से सिलना आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फटाफट से सीख लेते हैं हम सिलाई, तो इस तरीके से आप भी सिल सकते हैं जैसे जैसे मैं सिल रही हूँ। तो आप कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कॉलर, और आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा सिलाई होगी वो हम निकाल देंगे। और सिंपल सी है, मैंने स्लीव जोड़ी है तो वो मैं आपको
कई बार स्टिचिंग में बता चुकी हूँ, तो और भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्लिप कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिलाई से सिलाई मिलाई थी, तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता। अगर इस तरीके से लगाते हैं स्लिप, तो आप देख सकते हैं मेरा सूट हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप भी बना सकते हैं। अगर आपका शॉल ओढ़ने का मन नहीं है, तो आप सूट भी बनाकर पहन सकते हैं और अपने शॉल को यूज़ में ला सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।